नमस्ते बच्चों, संस्कृत के इस भाग में आज हम सीखेंगे व्यंजनों के बारे में। पिछले भाग में आपने स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, आज हम सीखेंगे व्यंजनों के बारे में। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 33। और व्यंजनों में हमें तीन प्रकार मिलते हैं। पहला प्रकार है वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन 4 है। ऐसे 25 जमा 4 जमा 4 ऐसे कुल मिला के 33 व्यंजन बनते हैं। वर्गीय व्यंजनों में 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग आते हैं। कौन से कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अधिक जानकारी के लिए हम आगे का गीत सुनते हैं। तो चलो गीत के लिए शुरुआत करते हैं। कमलं विकसति सुंदर सरसी, कमलं विकसति सुंदर सरसी, कमलं विकसति सुंदर सरसी। पश्यत पश्यत लघु लघु मत्स्यान्, पफ बभम पफ बभम। यत्र तत्र रे चित्र पतंगा, यत्र तत्र रे चित्र पतंगा। शशक शावको धावति कूर्दति। शशसह शशसह पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे, पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे। धन्यवाद बच्चों, यह गीत हम पुनः स्कूल शुरू होने के बाद याद करेंगे। आज के लिए इतना ही।